नमस्ते, आप सबका स्वागत है मेरे इस चप्पू चॉप्स वीडियो चैनल में। आज हम बनाएंगे रोटी पिज़्ज़ा। बाहर से जो पिज़्ज़ा मिलता है वो बहुत महंगा हमें गिरता है, और हम ऑथेंटिक जो पिज़्ज़ा है वो भी मैं आपको सिखाऊंगी, लेकिन आज मैं जो रोटी पिज़्ज़ा बनाने जा रही हूँ वो बहुत ही सस्ता गिरता है। बच्चे क्या है कि बार बार मांगते हैं, है ना, तो हमेशा तो हम इतना खर्चा नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों के लिए और हमारे गेस्ट के लिए ये रोटी पिज़्ज़ा रेडी है। तो चलिए आप इसके इंग्रेडिएंट देख लीजिए, बहुत इजी है। हमें पैन लेना है, और रोटी के लिए पहले हम आटा जिस तरह से बनाते हैं वैसे नहीं बनाना है। हमें क्या करना है, एक कप पानी जो है उसे इस पैन में हमें डाल देना है। गैस हमें ऑन कर लेना है, और फिर इसे अच्छे से गर्म करना है पानी को। इसमें हम डालेंगे सॉल्ट, जो एक कप पानी हमने लिया हुआ है, तो करीबन मैंने 1 टेबलस्पून से भी थोड़ा कम आटा लिया हुआ है, क्योंकि हम बटर भी ऊपर से लगाएंगे तो ऐसा ना हो कि थोड़ा सॉल्ट ज़्यादा हो जाए, ठीक है। इसके बाद में हमने 1 कप पानी लिया हुआ है, तो 1 कप आटा लेना है। आप आटा कोई भी ले सकते हैं, मैंने मैदे का आटा लिया हुआ है। आप घर में जो भी आटा है, हेल्दी वर्जन हम हमेशा ही बताना चाहते हैं, तो कभी कभार मैं क्या करती हूँ, ज्वारी का आटा का भी बना लेती हूँ, या बाजरी का आटा का भी मैं बना लेती हूँ, सत्तू का भी मैं बना लेती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ आपके लिए ये मैदे के आटे से। तो बस इसे हमें अच्छे से बॉईल कर लेना है पानी को, और एकदम अच्छा बॉईल होने के बाद में इसके हमें डाल देना है आटा। से आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने आटा को ये बॉईल कर लिया है, और इसके ऊपर हम फिर निकालने के बाद में तेल डालेंगे, और अच्छे से जैसे आटा हम गूंथते हैं ना, बस इस तरह से इसका आप आटा गूंथ लीजिए। और 2 रोटियां चाहिए हमें, ठीक है। आपको 4 से बनाना है तो आप 4 से मीन्स बना सकते हैं, 2 पिज़्ज़ा होगा। तो इस प्रकार से प्लास्टिक का एक बैग लेने के बाद में इसके अंदर डाल के आप बस इसे बेल लीजिए रोटी की तरह, है ना। तो ये थोड़ा अनइवन है, तो हम क्या करेंगे, एक कोई भी एक मोल्ड ले लेंगे, ढक्कन ले लेते हैं, और इसे हम रोल जैसे कि इसको राउंड का शेप दे देंगे। और फिर डायरेक्टली मैं क्या कर रही हूँ, इसमें मैं एक नॉनस्टिक पैन लिया हुआ है, इसमें मैं डाल रही हूँ, और बस इसे गैस पे हमें दोनों इसी तरह से बेलने के बाद में दोनों को हमें सेक लेना है, और एक लास्ट जब भी हम सेकंड वाला सेकते हैं तभी उसे पैन में ही रख लीजिए। और पिज़्ज़ा बनाने है तो हमें क्या चाहिए, पिज़्ज़ा सॉस चाहिए। तो ये सभी चीज़ें आप पहले से ही आप रख दीजिए। पिज़्ज़ा सॉस जो है वो पिज़्ज़ा सॉस तो हमें इसमें इसके ऊपर लगाना है अच्छे से। और फिर जो भी चीज़ें आपको चाहिए, जैसे कि अगर आप कीमा का पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, पनीर का पिज़्ज़ा बना सकते हैं, है ना, आप सोयाबीन का भी बना सकते हैं। तो ये सभी चीज़ों को आपको पास में रखना है। मैंने क्या किया है, वेजिटेबल्स बना रही हूँ पिज़्ज़ा, तो मैंने ऑनियन को छोटा काटा है, फिर चिली डाली है, फिर ऑनियन को राउंड राउंड पीस भी काटे हैं, और ये बेल पेपर मैंने लिया हुआ है, थोड़े से ऑलिव्स डाले हैं, गार्लिक डाला हुआ है, और फिर बहुत सारा हम चीज़ डालेंगे, है ना, मोज़रेला चीज़ आप डाल सकते हैं, पार्मेसान चीज़ आप डाल सकते हैं, आपके पास में जो अवेलेबल है वो आप डाल सकते हैं, और बेजल्स है ये पत्ते हैं, और उसके ऊपर हम स्वाद के लिए हम ये चिली डालेंगे, फ्लैक्स हैं उसके, चिली के सॉल्ट डालेंगे, और ऑरिगेनो ज़रूर चाहिए क्योंकि हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं, है ना। तो चलिए सभी चीज़ों को डालने के बाद में हमें ये जो सेकंड रोटी बनाई है उसके ऊपर हमें रख देनी है, और बटर लगाना है हमें ऊपर से, और फिर दोनों जगह पे हमें इसे सेक लेना है, ठीक है। और बस रेडी है आपके लिए रोटी पिज़्ज़ा। देखिए कितना जल्दी हो गया है ना, बच्चों को भी पसंद आएगा, और अगर आपके गेस्ट आए हैं ना
वो तो आपकी तारीफ बहुत करेंगे। ठीक है, तो चलिए सर्व कर देती हूँ। इस प्रकार से काट लीजिए जैसे कि पिज़्ज़ा हमें मिलता है ना, और दिखे भी ऐसे ही कि पिज़्ज़ा है, और थोड़ा सा गार्निश कर दीजिए आप चीज़ के साथ में। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मुझे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। इससे आपको क्या होगा कि नई नई रेसिपी है वो तुरंत ही मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।